सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, पहले तो सॉरी क्योंकि यार मेरी वीडियो तो 1 बजे हमेशा आ जाती थी, लेकिन यार आज थोड़ा लेट हो गया। खैर, तो मैं फिर से आ गया हूँ पोकेमॉन थ्योरी की वीडियो लेके, और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्लास्टोइस के पीछे जो 2 पंप लगे रहते हैं उसमें से पानी कहाँ से आता है। तो इंट्रो लगाते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ब्लास्टोइस के पीछे जो बड़ा सा शेल है उसके पीठ पर, उसमें पानी स्टोर रहता है, और जैसे ही पानी ख़त्म हो जाता है और जब ब्लास्टोइस खाना खाता है तो फिर से वो पानी शेल के अंदर अपने आप क्रिएट होता है। थ्योरी नंबर 2, ये थ्योरी थोड़ी अजीब है कि ब्लास्टोइस ढेर सारा पानी एक बार में पी जाता है, और जब बैटल का टाइम आता है तो वो अपने शेल से जो पंप निकला रहता है उसमें से वो पानी यूज़ करता है और फिर ख़त्म हो जाता है, फिर जाके पीता है। थ्योरी नंबर 3 ये कहती है कि ब्लास्टोइस के शरीर के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो बहुत तेज़ी से पानी सेक्रेट करती हैं, और वही ग्लैंड से जो पानी निकलता है वो ब्लास्टोइस बैटल के दौरान यूज़ करता है। थ्योरी नंबर 4 कि ब्लास्टोइस अपने सेल को पहले धूप में जाके हीट कर लेता है, और अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिससे उसमें पानी आ जाता है। तो यही थी मेरी 4 थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मैंने लाइक कम सिर्फ और सिर्फ रखा है 10 लाइक्स का, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही औसम वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।